छतरी बनाई वो छतरी हालत देख लो गिंड गोरे मुर्दे के पर गिर जाएगी छोड़ देके मुर्दे के पर गिर जाएगी तुम कहां गए थे जी पैसा खाया था विधायक ने वो छतरी गिंड गोरी इसके मुर्दे के। अच्छा एक बात तो बताइए, एक बात बताइए, समर्थन जरूरी है या फिर विकास जरूरी है? ये जल भराव क्यों नहीं हटा? ये जल भराव क्यों नहीं हटा? विकास जरूरी है मेरे भाई, पत्रकार बंधु विकास जरूरी है। तो ये जल भराव क्यों नहीं? जल भराव है, गांव की समस्या है, गांव वाले करेंगे। 1.85 लाख है, 1.85 करोड़ देखिए दिखाएंगे, दिखाऊंगा आपको। हम हिंदू है, हिंदू यहाँ पे होली का स्थान है, होली का हमने आगे हिंदू, ये हिंदू मुसलमान ये राजनीति हमें समझ में नहीं आती। राजनीति आओ हमने आए हिंदू, यो भाई झूठ बोल रहा है, मर चक पर लगवा दे अंकित आर्य ने काम करवाया वो। अरे असल खुद आना चाहिए, जब बाप को दिक्कत जक्कत का दिक्कत आपको जाएगा ना, जक्कत भी तो बताएगा जाएगा, पिताजी मेरे पेट में दर्द है, दवा दी भी तो दुआएगा पिताजी भी। देखिए ये अपनी समस्याएं बताएगी, आप इनके घर बुलाइए क्योंकि ये परेशान है, इनकी जमीन खराब हो रही है। हाँ बुलाइए, वो बुलाओ, मेरी बात खुद भी तो आप दिखाओ सर, खुद भी दिख सको पानी भर रहा है 5 साल तो भाई जी गाँव में मैं कार्य करता हूँ, आप बुला रहे तो दीजिए, नहीं नहीं आपकी जमीन सही होगी। ये फिर कह देंगे मैं तो अकेला कांग्रेस करता था, मैंने बुला दिया। हाँ। दे लो जवाब इनकी बात का, शुरू के 5 साल सबके घर आए, अब 2 साल घर आ रहे हैं बस, वो किसी के घर नहीं आती है, सब झूठ बात है। सब आए भाई में, सबके आए है ना, ये खड़े हैं पूछ लो। हाँ। ये रामला में बुलाए थे, सच्ची बात बोलना जे भाई, मैं है नहीं था वहाँ पे फिलहाल, रामला में 2 बार बुलाए, श्री राम लीला होती है, मैं बालाजी का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ठीक है। रामला में 2 बार विधायक जी, इन्होंने बंद काटने के लिए, तीसरी बार का मुसलमान हम स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे। सम्मान की बात है, उन्हें किसी को ठेस लग रही हो धर्म को तो फिर दिक्कत क्या है जी भाई, किसी को काम कर तो देख नहीं रहा आपको, का 1.85 करोड़ दिखा दे, इधर भी दिखा दे, इधर भी बकेलना। लेकिन सड़कें ऐसी तो बहुत अच्छी हो रही यार, और क्या चीज, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़क है। अरे गड्ढों में सड़क होनी चाहिए, सड़क में गड्ढे होते हो कहीं, जैसे ये तो बहुत अच्छी हो रही है, और इससे क्या बड़ी बात बोल रहे हैं, गड्ढों में सड़कें, सड्डों में सड़कों में गड्ढे, तो फिर और क्या यार, ये बढ़िया तो कर रखी। हाँ। ये आजकल के राजनेताओं की सबरे के वोट मांगने आ जाते, कल भी दिखाते। देखिए यहाँ पर हम कलियर विधानसभा में बाजू हेडी में हैं, और यहाँ पर हम जनता की राय जानने आए थे कि इस बार क्या है जनता का मूड, कौन आने वाला है सत्ता में कौन नहीं। लेकिन ये भाई साहब जो हम पर ही आरोप लगा रहे थे कि हमने 500 रुपये लेते हैं, पैसे लेते हैं, मीडिया पैसे खा लेती है, देखिए पहला सवाल मैं आपका समस्या उठाऊंगा और चलेगी भी, हमारे यहाँ हर एक जन मुद्दा उठाया जाता है और यही काम, और इसी चीज की वजह से लोग हमें इतना प्यार करते हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क को, क्योंकि हम जन मुद्दों को उठाते हैं जमीन स्तर पर जाकर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने जो 500 रुपये वाली बात की थी कि 500 रुपये मीडिया खाती है, वो किसने दिए थे उन्हें 500 रुपये? वो भाई उधर सड़क बननी थी, वो आए ठेकेदारों ने ही दिए थे, उन्होंने दिए थे, वो फिर चुपचाप चले गए। इधर ही ऐसे एक बेचारा तांगे वाला मट्टी ले जा रहा, वो ये मुझे पता, पत्रकार आया, हाँ भाई अवैध खनन कर रहा है तू, घोड़े तांगे में कौन अवैध खनन कर लगा ये बताओ आप, कुमार थे बेचारे, अपने रोजगार चला रहे, वो जीवन शैली चला रहे, उनसे पैसे ले रहे, बताओ ये पत्रकारिता आपकी। देखिए आपने दूसरा सवाल मुझ पे खड़ा करा था कि हम विधायक जी से पैसे ले लेंगे, तो विधायक से नहीं कह रहा, जो जो मुद्दा उठाओ ना आप, उसको दबाने के लिए आपको पैसे दिए जाए, फिर आप मुद्दा नहीं उठाते, विधायक हो प्रधान हो वो, मतलब जो आपके विधायक है वो पैसे देते हैं पत्रकारों को? पत्रकार को नहीं कह रहा मैं, मैंने कह रहा जो जैसा मेरा मुद्दा उठाया आपने, मुझे जैसे मैं फंसने वाला, तो अम्मा आपको पैसे नहीं देमा क्या, ये बताओ आप, तो विधायक जी पैसे देते हैं ऐसे फंस ना जाए? हाँ सब दें, विधायक हो सांसद हो सब दें भाई, ऐसे पुलिस वाला हो कोई भी हो। तो वही बात है ना कि चोरी कोई करता है तो चोर सब कहलाए जाते हैं, तो जाएंगे भाई सभी, एक भैंस, एक भैंस गंदी। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी देखिए, मीडिया आपकी सुनकर आई है, आपकी निजी समस्या भी ये है और ये सार्वजनिक समस्या भी है। हम आए हैं, हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि आपकी जमीन यहाँ पर है, हम आए, हमने आपकी समस्या उठाई क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, चाहे आप हम पर कितने भी आरोप लगा लीजिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, मैं एक बार कहूंगा कैमरामैन से कि इधर भी दिखा दे। हाँ देखो कितनी जमीन है आप, ये हाँ देखिए, इनका कहना ये है कि बारिश के मौसम में जो बारिश होती है उससे यहाँ पे जल भराव हो गया है, जिस वजह से जो जमीन है वो खराब हो रही है, यहाँ पर ये खेती भी नहीं कर सकते, अपने घर भी नहीं बना सकते क्योंकि जमीन जो बर्बाद हो रही है। सबसे पहला सवाल, विधायक जी से अपील किया नहीं इसको लेकर? कि भाई कोई नहीं सुनता, आश्वासन दे दो बस, सांसद भी ऐसे ही, सांसद भी हमारे ऐसे ही निशंक जी, सब ऐसे ही आश्वासन दे दो, जो छोटे मोटे सांसद जी के पास भी गए थे, वो आए उनके पास यहीं पर, यहाँ पर आए गांव का बोल रहा है उनका, बस आश्वासन हो जाएगा, देखो अब हो रहा है, जो छोटे मोटे नेता वो भी ऐसे ही करते हैं, बस देख लो आप, दिखाओ ये तो दिखाओ आप इधर। कितने समय से यही परिस्थिति बनी? 5 साल हो गए कम से कम, चारे का भी संकट, गेहूं का भी संकट है सर, बताओ, और कोई नहीं, इसका रेट नहीं पूछता, बेचना चाहो ये बिकती नहीं,
बताओ क्या करोगे भैया, कैसे आप देख लो कोई ले लगा कैसे इतने पानी में कैसे को ले लगा कोई, फिर कौन कराएगा अब इसको? कोई भी नहीं करा रहा, आप सब उम्मीद है, हम तो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो क्या सत्ता परिवर्तन चाहते हो? सत्ता पर कांग्रेस भी ऐसी, बीजेपी भी सब ऐसे ही, बताओ कि क्या कर दो, सब ऐसे ही। लेकिन 10 साल से तो कांग्रेस ही चुनते आ रहे हैं। मेरी बात सुन, 10 साल नहीं हुए यहाँ, तो 5 साल हुए, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। दो टर्म से विधायक है फुरकान अहमद, अच्छा विधायक, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं आया, वो भी कुछ करके देख रहे हैं। ये देखो आप सड़क दिखाओ, इधर देखो सड़क, कुछ भी नहीं करके दे रहे हो समाधान, तो पैसे तो ले लगे वो सरकारी, कट तो कुछ नहीं रहे, तो सरकारी पैसा कहाँ गया पता नहीं आपको कहाँ गया, वो तो नहीं पता होगा भाई, जाते हैं उनसे मिलने तो कह दो साहब अभियान देहरादून गए, तो आपसे मिलते नहीं, मिलते नहीं, बैठा के रखो बस, चाय पिया देंगे जाओ बस। हाँ, क्या आरोप लगा रहे हैं विधायक जी, मिलते नहीं है लोगों से अपनी समस्या को जब लेकर जाते हैं लोग? देखो जी, यहाँ से तो मान लो हम उनके पास हम गए, मान लो भाई वो हमारे खेतों में पड़े पड़ा, उनका कुछ समाधान होना चाहिए, आए उन्होंने कह दिया भाई हाँ चलो हम देखेंगे इसके बारे में, अगर कोई ध्यान नहीं देता है भाई, ये यहाँ की ये समस्या है, ये सब लोगों की सांसद ने भैया 5 साल में वोट मांगना है, एक बार उसके बाद में आके मैंने देखा यहाँ से भाई तुम जी रहे मर रहे इस हालात में, बताओ खेती हो सकती है? ऐसा तो मरेगा ही किसान, किसान क्या करेगा फिर बेचारा, हो रहा अपने चेहरे का भी हमारे गाँव में तो चेहरे की बहुत स्थिति होगी। अब आपने बताया कि विधायक जिनको आपकी अपील सुनी नहीं, तो अब क्या चुनाव आ रहे हैं तो सत्ता में परिवर्तन कराओगे या नहीं, या फिर दोबारा से विधायक? बिल्कुल करा सकते हैं, सत्ता में परिवर्तन है जी, तो कौन करेगा फिर काम, कौन सी पार्टी कर सकती है? कोई जी जो हमारा काम करेगी वो पार्टी हम वोट देंगे, सीधी बात तो आगे जो भी मान लो हमारी भारत सड़क बनवाओगे, इसका समाधान करवाओगे, उसके लिए हम आगे खड़े होंगे, कोई भी पार्टी हो चाहे उसमें। देखिए प्रथम चीज है सड़क बनवाना, सड़क का निर्माण कराना, बहुत छोटी सी बात है, विधायक जी ने 10 साल में वो भी नहीं कराई, कुछ नहीं करवाया यहाँ से, सर में पानी पानी भरना पड़ा, पहली बात तो मैं जान जाता है, जावे भी तो किसी लिए जावे, जब फसल ही नहीं है कुछ भी, ये पानी की समस्या से ज्यादा खतरनाक है यहाँ से। यहाँ कितने सालों से यही स्थिति से हो रही है, सही है 5 साल हो गए, ये सड़क बनवाई थी सांसद ने दिया, ये तोड़वा दी इन्होंने लोगों ने, दूसरा ना अब ये हो जाना बेकार हो गया। देखिए एक बात सच बोलिएगा आप, आपके मन में कहीं ना कहीं विधायक जी के प्रति भी आक्रोश था ना, जो मीडिया पर निकाल दिया, वो तो है ही, वो आग नहीं देखते है बस, ये आक्रोश है, गुस्सा है, देखिए प्रतिनिधि के खिलाफ अपने जनता के बीच में। नहीं 10 साल हो गए, देखो आप सड़क देखो जाएगा, थोड़े आगे जाइयो, इधर को जाइयो निकल कर, सड़क देखो क्या हाल हो रहा है, देखो जल भराव से ही हो रहा है, इस कारण ही हो रही है, नहीं सड़क ठीक थी है, संविधान में लिखी है सड़क पार कर अपना काम कर लो, किसने किया अपना काम, पैसे वाले जो गाँव के ऐसे आदमी खास आदमी है, जो अपने बड़े आदमी पैसे वाले आदमी है, खास आदमी है गाँव के, खास आदमी है, किसके खास आदमी है गाँव के ही है, वो मुजरिम लोग जो बड़े पास भाई पैसा उनके पास, खास तो किसी के नहीं आया, वो पैसे बलबूते, हम गरीब आदमी कहाँ से बोल जाऊंगा, ये बताओ जब जिस पर पैसा होगा। ये गर्ल्स हॉस्टल है, आप देखो लड़की कैसे जाती होंगी आपको स्कूल, महिलाएं भी आ रही है बात, महिला भी आती हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल है ये देखो आप, और ये कैसे आती जाती होंगी स्कूल जाऊँ यहाँ सुबह रोज। आइए महिला से भी बात करते हैं, क्योंकि वो देखिए आ रही है, उनके हाथ में आ रही भी है तो लगता है खेतों से आ रही है। जी माता जी, खेतों से आ रही हो? खेतों से आ रही हो, यहाँ पर समस्या बता रहे हैं आपके क्षेत्रवासी की, समस्या तो है ही, आने जाने में भी दिक्कत है, खेत में भी, अब घास काटेंगे वो भी पानी में, अब बताओ कैसा करो। कहाँ रहती हो? यही बात जेडी में रहती, घर में शौचालय है? हाँ शौचालय है, सोच में तो कोई दिक्कत नहीं है ना महिलाओं के लिए? ना। अच्छा आपके आस पड़ोस की महिलाएं हैं जिन्हें सोच में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं अभी तो किसी को नहीं है, शौचालय सबके घर में बने हुए हैं, सबके घर में, लेकिन फिर सड़कें क्यों नहीं बनी? सड़कें क्यों नहीं बनी, यही तो दिक्कत है, अब बताओ जोड़ भरे पड़े कैसा आ रहे भंड का, ना नहाने के ना धोने के, ना कर जाएंगे जब ऐसे ही, ना नहाओ जब भी ऐसे ही, हाँ अब बताओ क्या करो। कपड़े गंदे हो जाते हैं? कपड़े पूरे के पूरे गंदे, अब देख लो क्या हालत हो रही, आप ये देखो तो ये गर्ल्स, इसमें गर्ल्स है सारी, ये कैसे आती जाती होंगी बेचारी लड़की, वो रात को भी आना उन्हें दिन में भी आना, गर्ल्स हॉस्टल है देखो कितना पानी भरा पड़ा, अभी तो कम है बारिश नहीं हुई ना, जब बारिश होगी फिर यहाँ को पानी चलेगा सब। देखिए इस पानी में तमाम बीमारियां पैदा हो सकती है, डेंगू हो मलेरिया हो, क्योंकि देखिए बारिश के मौसम में तो ये बीमारियां ज्यादा तक फैलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये हमारी फसल नहीं हो रही, हम क्या करो बताओ, ये बताओ फिर किसान आत्महत्या नहीं करेगा क्या करेगा? कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं, देखो कितनी जमीन है वहाँ से वहाँ तो वहाँ तक, और वहाँ से वहाँ तक देख लो आप, देखो जमीन देख लो, देखो खाली पड़ी है, इनमें ही गन्ना होता कितने पैसा गन्ना, तो सरकार को भी टैक्स मिलता, हमें भी रोजगार मिलता, डंगरों को। क्या करते हो आप? खेती करो बस, उधर कर लो थोड़ी थोड़ी, उधर हमारी सारी बर्बाद, खाली नहीं पड़ी, आप देख लो क्या हो रहा है,
पैसा लगा देंगे, वो निकाम होता, कामयाब होता। अच्छा देखिए, कोरोना वायरस के समय की बात करें, अब बीमारियों की जब बात छिड़ी, तो उस समय विधायक जी कैसे सक्रिय रहे आप लोगों के बीच? विधायक तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर, पुलिस वाले तो आए, पुलिस वाले बेचारे राशन बांट कर चले जाते, मैं तो आए पुलिस वाले, विधायक उदय को पुलिस वालों को कौन भेजता था ये नहीं हमें पता। वो राशन भी जैसा हम कॉल करते थे, वो राशन दे जाते, ले भाई राशन खा लो, बस विधायक जी कभी कोई नहीं आया यहाँ पर। सैनिटाइजेशन होता था क्षेत्र में? हाँ, वो तो प्रधान ने करवाया। हाँ तो चलिए, यहाँ से हमने जनता भी आता, वो गैस ही छोड़ दो, वो भी हुआ गाँव में, वो प्रधान ने करवाया। हाँ थोड़े दूर उनसे भी बात करते हैं, वो बुला रहे हैं। हाँ तो चलिए, हमने जनता से राय जानी और उन सड़क भी दिखाओ, एक गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। मैं कहूँगा कि एक बार सब कुछ कैप्चर कर लिया जाए उधर तक भी। देखिए युवा भी है। हाँ आइए, कितने साल के हो? 20 साल के 20 साल के। बाइक है आपके पास? जी हाँ बाइक है। इन्हीं सड़कों से लेके जाते हो? हाँ बस इधर को जाना पड़े। इन्हीं सड़कों से लेके जाते हो? हाँ जी इधर से जाना पड़े, इधर से जाना पड़े। तो क्या कहना चाहोगे आप अपने जनप्रतिनिधि से, क्या संदेश दोगे उन्हें? खुल के दीजिए, इसका इलाज करो। युवा हो आप, भविष्य वोटर हो, भविष्य आने वाले समय का, तो खुलकर अपनी बात रखिए। इसका संविधान होना चाहिए, वैसे संविधान होना चाहिए। अच्छा क्या क्या मांग है युवाओं की क्लियर से? निशांत क्या मांग करते हो? रोजगार की, किस चीज की मांग है? खेल के मैदान की, शिक्षा की? खेल का मैदान था, पानी भरा पड़ा, इसमें भी देखो आप जाकर, ये इसके घर के अगर इन कितनी बीमारी होगी पानी में, देखो ये आ रहे लड़के यही रहो 24 घंटे बेचारे, इन्हें कितनी बीमारी होगी इस पानी से, ये बताओ आप। देखिए इनका कहना ये है, जिनके घर आसपास के इस क्षेत्र में बने हुए हैं जहाँ पे जल भराव है, उससे कितनी तमाम बीमारियां जो है फैल सकती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है फुरकान अहमद विधायक पर कि 10 साल दो टर्म विधायक एक छोटी बात नहीं होती, कि सड़कों का निर्माण जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आपका घर यहीं पर है जी? लोग कह रहे हैं पिछले 5 साल से पानी भरा हुआ है। हाँ मैं भी 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर बना के, और काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। और स्कूल के बच्चे आवे तो उन्हें भी बेचारे इतने इतने पानी में जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल ये यहाँ रहते हैं तो जाते हैं तो बिल्कुल पानी में ही जाते हैं सारे। और गर्मी का टाइम जैसे बरसात में पानी भरा रहता है तो काफ़ी सांप भी मारता हूँ मैं हर दिन, सांप भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरे घर में घुस जाते हैं डेली रोज़। अच्छा। कई बार मार चुका मैं। रोजाना जीवन में कितनी परेशानियाँ आती है? काफ़ी परेशानी, मतलब परेशानी तो काफ़ी है। अरे आपकी नई स्कूटी इतनी सुंदर यार, देखो कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा स्कूटी का कलर, लेकिन सड़कें ऐसी। ये तो बहुत अच्छी हो रही यार, और क्या अच्छी सड़क, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़क। अरे गड्ढों में सड़क होनी चाहिए, सड़क में गड्ढे होते हो कहीं? हाँ जैसे ये तो बहुत अच्छी हो रही है, और इससे बड़ा क्या करूं, बड़ी बात बोल रहे हैं, गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे हैं, तो फिर और क्या यार, ये बढ़िया तो कर रखी। ये आजकल के राजनेताओं की सब्र के वोट मांगने आ जाते, कल भी दिखाते। 10 साल हो गए आपके विधायक को तो वही तो कह रहा हूँ, तो ये हाल देख लो, अब तुम्हें देख लो भाई। हाँ वो देखो, ये मेरी तो सारी डूबी पड़ी भाई। अच्छा आपकी भी जमीन जल भराव में हो गई? मेरी 35 बीघे। अच्छा देखिए कम नहीं होती 35 बीघे। ये सारा ये डूबा नहीं पड़ा भाई, कोई नहीं सुनने वाला भाई। हाँ तो इस बार 14 फरवरी को चुनाव है, वोट दोगे? वोट दोगे आप किसको? 14 फरवरी को चुनाव है किसको? अच्छा देखिए सवाल खड़ा कर रहे हैं किसको, यानी कि तमाम नेताओं पे सवाल है, आप बता दो ना किसको, जिसको आप पसंद करते होगे। हैं आप जिसको पसंद करते होगे। मैं तो सब रहे किसको नहीं देता है। हाँ। नोटा दबाओगे? हाँ। मैं तो सब रहे किसको नहीं देता भाई। हाँ देखिए कितना ज्यादा आक्रोश है इनके अंदर। नहीं किसको दे बताओ, आप ही लोग दे। कहना ये है कि कोई भी काम नहीं करा रहा, फोटो खींच रहे, और भैया मीडिया पे दिखाना उसमें टीवी में, बिल्कुल दिखाई जाएगी। हालत खराब है भाई इस गांव की, देर खराब है कोई नहीं, मेरे तो ये 35 बीघे जी डूबी पड़ी भैया, देखो ये सारे। हाँ हाँ अच्छा विधायक जी कितनी बार आए क्षेत्र में हमारे? हाँ। आपके गांव में कितनी बार आए? वो तो रोज ही घूमा, और निशंक तो रोज ही रहा यही। हाँ। हमारा जो सांसद है वो तो रोज ही दावत ले हमारे यहाँ आकर। हाँ, फिर भी सड़क ठीक नहीं कराई? हाँ? हाँ। करा तो रखी है, बस यार सड़क में गड्ढे ही तो है, तंज कस रहे हैं विधायक जी और सांसद पे। हाँ भाई सड़क तो चली रही है। हाँ। भाई या तो
सड़क में गड्ढे नहीं होने चाहिए। अरे गड्ढों में सड़क है तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं उन्होंने क्या भाई, बस कपड़े काटो चल जाओ। मैं तो यहाँ रोज गिरू भैया, रोज गिर जाते हो? हाँ, उम्र में भी? हाँ, अरे इसी संस्कृति में जब यह रिफ्ट है तो और क्या हो भाई, जब यार रिफट का गिर है तो मैं तो रोज यही संदू। हाँ क्या करूँ, यहाँ की हालत भैया इतनी गंभीर है, बस पूछो मत, बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला, सब अंधे हो रहे। विधायक सांसद तो आपके घर आके खाना खा रहे हैं अभी, आप बता? हाँ बता तो रहा हूँ बस, कुछ नहीं, नहीं बस आना और बस आश्वासन देना और भाग जाना। राम राम जी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। देखिए हालत गंभीर है भाई, लिखवा तो बड़ा अच्छा रखा है भगवान का नाम है, लेकिन सड़क पे ऐसी बाइक लेके जा रहे हो, टूटी हुई सड़क पर, क्या करे सर जी। ये हमारे गाँव राम बाजड़ी में, इधर भी हमारे गांव के किसान, इधर भी हमारी तरह, दोनों तरफ हमारे गांव के किसानों का नुकसान हो रहा है। ये छोटे किसान हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, इन दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। और मैं बताऊं बात, यहाँ पे चकबंदी, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है तो बंद करके चले गए। यहाँ पे जब चकबंदी हुई थी, चकबंदी के दौरान यहाँ पे हमारे कहीं ग्राम समाज इस तरह से वो व्यवस्था नहीं हो पाई, इस कारण इस ये जल भराव की समस्या, सड़क बेकार हो चुकी। यहाँ पे एक हॉस्टल है बालिकाओं का, इसमें आज से 2 साल पहले एक लड़की को यहाँ पे सर्प ने खा लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो जल भराव की बहुत तगड़ी समस्या है, हमने प्रशासन शासन से भी यहाँ आए हैं, SDM भी आई हैं, मिट्टी गोली देकर यहाँ सब लोग चले गए। अब जब क्या है, गांव का माहौल है, तना तनाई का मुच्छों की लड़ाई लड़ी जा रही है। इधर वाले कह रहे इधर जाएगा, इधर, मगर मैं प्रशासन से, आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रशासन SDM महोदय यहाँ का आके निरीक्षण करे, आला अधिकारी आए जितने भी, उन्होंने विधायक तक ये बात पहुँचाई या नहीं? विधायक जी से गई, विधायक जी से मैं यहाँ पे नाले की बात करें, कहाँ पहुँचाएंगे विधायक जी यहाँ पर? पानी की निकासी की समस्या है जी, नाला तो बन रहा है जी, यहाँ नीचे कई ग्राम समाज नहीं है जी। अभी यहाँ हमारे यहाँ जो है अभी विधायक हो गए हैं, एक निर्विरोध विधायक भी हैं। कौन है? हैं भाई, वो क्या नाम उनका भाई, करण सिंह, इंजीनियर करण सिंह, उन्हें निर्विरोध कर दिया है रावत जी ने, अभी तो बनाया, वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और वोट देने की भी जरूरत नहीं, तो अब वो यहाँ का सब समाधान पास कर देंगे। शासन प्रशासन को ये करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप दो टर्म से फुरकान अहमद जी को चुनते आ रहे हो, फिर भी काम नहीं हुआ, क्यों नहीं जी? यहाँ पे माननीय फुरकान विधायक जी अहमद जी को पिछली बार 112 वोट मिली थी, 182 मिली थी, यहाँ पे 1,85,00,000 का काम है इस गांव में माननीय विधायक जी का। फिर भी सड़कें क्यों नहीं बनी? सड़कें बनी है, पर सड़कें तो बनावा दूंगा, ये सड़कें विधायक जी की तो बनाई है मेरे भाई, इस माननीय विधायक जी ने बनवाई थी ये सड़क भी, 10 साल पहले बनवाई थी भाई साहब, माननीय सांसद जी है, निशंक जी सांसद जी है, हमारे 900 वोट लेके गए ग्राम बाजड़ी ने, माननीय निशंक जी, हमारे गाँव में एक रोड नहीं थी, सिर्फ 3 लाइट दी, अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में लग गई। माननीय विधायक जी ने 1,85,00,000 का काम किया, ये तो बोल रहे विधायक जी ने, मेरी बात तो सुनो, हम कह रहे सांसद ने नहीं कुछ कराया, विधायक ने भी कुछ नहीं कराया, इस सड़क 1,85,00,000 मेरे साथ चलिए भाई साहब, आप गांव में घुमाऊंगा आपको। देखिए आरोप लगा रहे हैं आपको, गांव में देखिए आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से सच्चाई दिखाऊंगा हकीकत, सच्चाई ना सांसद ने कुछ कराया, ना सांसद ने कुछ कराया, ना विधायक ने, तो ना थोड़ा शांत, थोड़ा शांत, मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो, आपको दिखा के कराया, ना सांसद ने कराया, कुछ भी नहीं कर रहा है, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल जो काम किया आपको दिखा के, हम बिल्कुल देखेंगे, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने काम नहीं कराया और आप उनके समर्थक, कौन से नहीं कराया, मैंने कराया, मैंने विधायक जी से 1,85,00,000 का काम कराया, कह रहे 1,85,00,000 कहाँ दिखाई दे रहा है वो बताओ तो, दिखाओ तो कहाँ, मोटरसाइकिल पे बैठो ना मेरे साथ, मेरे साथ ये बैठे मेरे बुजुर्ग बता दें कि विधायक जी ने काम किया, चलो बोल रहे नहीं करा, बोल रहे नहीं करा, विधायक जी ने इस गांव में काम नहीं किया, बता दे सड़कें गिरी नहीं, आगे आगे देखे आप, आप ये बताइए विधायक जी ने काम कराया भाई, पिछली योजना में कराया, इस योजना में कुछ नहीं कराया, कह रहे इस योजना में कुछ काम नहीं कराया विधायक जी ने, आक्रोशित हो गए अंकल जी आक्रोशित हो गए, विधायक जी के खिलाफ लोगों ने बोला तो अंकल आक्रोशित हो गए, कुछ नहीं कराया कार्यकर्ता ने, जोर पड़ रहा है ना मेरी बात, रुक जाओ, 1,85,00,000 का काम देखो उधर एक बार दिखा दो, एक बार उधर देखो नहीं गाँव में, अरे देखो देख लो कुछ नहीं आया,
बताएंगे ना वहाँ पर भी सड़क बिछा चुके हैं हमारे विधायक जी। हाँ अभी चलो इनके चक पे ना सड़क वहीं तक की जा रही जी। यशपाल आर्य ने विधायक मेरे पास यशपाल यशपाल आपको बोर्ड दिखा दूँ ये विधायक का नाम ले रहा है इसका जनवर का करने के बाद जितना काम आपके माध्यम से करना चाह रहा है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है समस्या है। आप मेरे साथ चलो ना काम हुआ है ना इस गांव में विधायक जी ने ना काम किया। आपने बात की सड़कें गिरवाई तो ये क्यों नहीं बनी ये क्यों ना पानी की निकासी नहीं है ये निशंक डलवाएगा मैं जो भाजपा के वरिष्ठ जी ने पास कर दिए जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है हमारे गांव के बाजूएडी के वो ये कहते कि निशंक जी ने पास कर दिए डाल दी थी समझ में नहीं आता फिर निशंक ने डाल दी क्यों ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ये तो आप समर्थक होने के आरोप निशंक ने क्यों नहीं डाल दिए क्यों नहीं मेरी समझ मेरे मेरे चक पर गिरवाया बोर्ड देख लो आप किसका जाए विधायक का नाम झूठा ना ले जब पास कर दी थी निशंक जी से क्यों नहीं डलवाई निशंक जी ने ये पास कर दी थी जितना विधायक जी ने यहाँ पे काम कराया आज तक किसी ने काम नहीं करवाया यहाँ चाहे वो कोई हो। अच्छा, एक बात का तो जवाब दीजिए एक बात का तो जवाब दीजिए क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं विधायक फुरकान अहमद जी के समर्थक हो आप? देखो हाँ है हाँ पक्का दिल से हम दिल से समर्थक मैं आपको बताऊँ यहाँ सबसे बड़ी कमी वही तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है सब रहा। हाँ देखिए वही तो बात है ना जातीय राजनीति है धर्म की राजनीति है। हाँ माइक छोड़िए माइक छोड़िए। हाँ विधायक जी ने शमशान घाट में छतरी बनवाई परंतु उसमें आज तक हमारे गांव का कोई भी मुर्दा नहीं जलाते मुसलमान के जलाई हुई। देखिए बाबू जी कह रहे हैं इस योजना में कुछ काम विधायक जी ने नहीं कराया ये हाल है। हमारे विधायक जी पे 44 गांव है तीन दो दो निधि दो करोड़ तो उनके विधायक दिखा विधायक मेरा निशंक भी नहीं आया निशंक भी नहीं आया क्यों आया निशंक ने सैनिटाइजर करवा पूरा गांव। देखिए बाबा जी एक बात बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है की राजनीति सत्य बहुत बोल रहे जी हिंदू मुसलमान की राजनीति। वो बेचारे तो मंदिर में पैसा दे रहे थे भाई मंदिर में दिया इन लोगों ने लगवा मुसलमान है मुसलमान का पैसा लगवाते ये तो मैं कहूंगा। क्या कहोगे मंदिर में वो पैसा दे रहे थे भाई मंदिर में कौन दे रहे थे फुरकान अहमद जी मगर भैया यहाँ का ना मुसलमान के का पैसा लगेगा तो ये तो जनता बांट रही है फिर तो यही है तो भाई इनके आपस की वो है यहाँ जो है पार्टी बाजी हो रही है और कुछ नहीं। छतरी बनाई वो छतरी हालत देख लो गिरने को मुर्दे के ऊपर गिर जाके मुर्दे के ऊपर गिर जाके तुम कहाँ गए थे पैसा खाया था विधायक ने वो छतरी गिरने को रही इसके मुर्दे के। अच्छा एक बात बताइए समर्थन जरूरी है या फिर विकास जरूरी है? ये जल भराव क्यों नहीं हटा विकास जरूरी है मेरे भाई पत्रकार बंधु विकास जरूरी है तो ये जल भराव क्यों जल भराव है गाँव की समस्या है गाँव वाले करेंगे 1.85 लाख एक करोड़ 85 लाख देखिए दिखाएंगे दिखाऊंगा आपको हम हिंदू है हिंदू यहाँ पे होली का स्थान है होली का हमने आगे हिंदू हिंदू मुसलमान ये राजनीति हमें समझ में नहीं आती राजनीति हमने आ हिंदू यो भाई झूठ बोल रहा है मेरे चक्कर लगवा दिया अंकित आर्य ने काम करवाया वो अरे चल देखिए बात करनी है देखिए बात करनी है देखिए जनता की राय थी लेकिन राजनीति विकास की होनी चाहिए ना कि धर्म की। ये गांव की समस्या आपसी मतभेद की मल्लेपुर का नाम जी अभी हमारे देवस्थान है वहाँ पे पुल के पास में हमारे देवस्थान है ना वहाँ पे मैं भी कहा था विधायक जी को देखिए लोग आपस में भिड़ रहे हैं थोड़ा शांत रहिए विधायक जी कम से कम एक हैंडपंप यहाँ लगवा दो। उन्होंने कहा चलो मैं कराता हूँ उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था मैं लगवाई देता हूँ लगवा दूंगा गांव में पूछा लोग बागो से तो कह रहे कि ना मुसलमान है वो तो उसका नल काम हाल कर रहा है तो अभी कहा बोल रहे हैं विधायक जी ने इस योजना में मैं बता रहा हूँ तो बात यहाँ ये है यहाँ सारी आपस में है इन लोगों में और कुछ हाँ जी यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 1.5 साल पहले भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा के विरोध में विकास की बात कर रहा हूँ सच्चाई की बात कर रहा हूँ ये भी तो कह रहे हैं ना कि विधायक जी ने काम नहीं कराया कौन मैं मेरे विधायक जी ने यहाँ काम कराया अब की बार इनका भी तो विकास हो रहा है आपका क्या का विकास हो रहा है विकास हो नहीं रहा इनका विकास इनका बढ़िया हो रहा है देखो 1.85 करोड़ देखो तो क्या दिखा गाँव में दिखा ये आपको कह रहे हैं कि आपका विकास हो रहा है किसका आपका विकास आरोप लगा रहे हैं मेरे बाबा यो मेरा भाई लगा ले रहे सच्चाई बोल रहे की गाँव में बच्चे से पूछा जा विधायक जी ने इस बात का तो उत्तर दीजिए आपका दो आप जो झूठ सच्चाई तो गाँव वाले बताएंगे आरोप तो मैं किस पे लगा दूंगा ये भी तो गाँव वाले है तो कोई वाले लगा लेंगे
लोग आरोप लगाने से कुछ हो रहा, मैं आपको कहने लगा तो आप आए, आप पैसा लेके आए यहाँ पे और आप उसकी बात करिए, ऐसा नहीं होता झुठा। मैं पत्रकार बंधु आपको कहने लगा जो आप आए और पैसा लेके आए, यही आरोप इन्होंने लगाया था थोड़ी देर पहले। आरोप तो कोई लगा ले, आरोप को सिद्ध करके दिखाई ना मेरे भाई, सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाई। विकास ही निकाले तो लो, विकास करना है। मान्य विधायक जी ने सड़क गिरवाई थी जहाँ ये बच्चे स्कूल में गिरते थे जी, अच्छा चलिए ये आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ। एक सेकंड, अब उनके कान मत भरिए, बोलने दीजिए उन्हें। हाँ। जी सर, कितना काम कराया विधायक जी ने? नहीं विधायक जी ने कभी काम कराया। हाँ। विधायक जी ने तो फिर सड़कें क्यों नहीं बनी? सड़कें तो ऐसा जी दो उसकी बात है, मुच्छो की मुच्छो का तो होना चाहिए बस, आप मुच्छो की बात है, यहाँ कार्य होने कौन दे रहा है, किसी कार्य को अगर करा भी कोई तो करने दे। देखिए फिर वही बात है ना, हमारी योजना में उन्होंने काम बहुत कराया है, इस योजना में नहीं, वो कह रहे इस योजना में काम नहीं हुआ। उनसे चूल्हे पर जाइए आप, चूल्हे पर भी आरसीसी गिरवा रखी उन्होंने, हालांकि इतना उनका यहाँ समर्थन नहीं है जितना उन्होंने। वही चीज है ना, लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना कि विकास की राजनीति। सर इस गाँव में धर्म की राजनीति होती है और कुछ नहीं होता इस गाँव में। देखिए जबकि जबकि जन मुद्दों को उठाना चाहिए, जो छोटे छोटे काम है जी। क्या हो गया? अरे इधर बताइए क्या हो गया। जो जिब चकबंदी हुई, जिब सो रहे थे का लोग, जिब तो चौक में नपवाली में जमीन, ग्राम समाज भी मजदूरों का हक खा गए। अरे जन बता रहे पानी कहाँ भर रहा, पानी तो जोर छुटवाते हैं भाई। कौन खाए मजदूरों का हक? जो चक जमीन वाले, हाँ भाई, जो चक वाले जो जमीन वाले वे खा गए, और कौन हम खा गए, चक न पो अपने साक्टर न पो। विधायक जी ने क्या कराया फिर? विधायक जी ने सब काम करवाए। हाँ। और कहे जोड खुदवा के देगा विधायक। ये तो कह रहे विधायक जी ने इस योजना में कुछ करा। हाँ भाई क्यों नहीं करा, वो तो विपक्ष वाले बतेरे फिरो। हाँ। अगवा करा नहीं तो सड़कें तो हमें भी दिख रही है, ये सड़क क्यों नहीं बनी? पास नुका दिया भाजपा ने रखी हो। ये मैं कहूंगा पहली योजना में वास्तव में उन्होंने काम कराया, परंतु इस योजना में कुछ नहीं, इस योजना में कुछ नहीं हुआ ना। हाँ। इस योजना में कुछ नहीं हुआ भैया जी, हम तो साफ बता रहे, पहली योजना में वास्तव में काम कराया उन्होंने। आइए उधर चलते हैं, उधर देखिए लोगों में आपस में बातों को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। हाँ क्या हुआ बोलिए। सर ये नुकारे वो विधायक जी ने सड़क नहीं डलवाई वो इनकी, चलो मैं मानना कि नहीं डलवाई तो, लेकिन मुझे नहीं बता दो फिर सड़क किसने डलवाई इस गाँव में। ये मेरा भाई खड़ा है, आरोप लगा रहा है, तू ही सच्चे मन से बता दे विधायक ने काम किया था नहीं गाँव में? भाई मुझे तो दिखता नहीं काम, पहले योजना में किया नहीं, पहले में करा क्यों नहीं करा? नहीं जो कोरोना काल में कट गया, कोरोना काल में आए कहाँ में, कौन तो बता दे कौन नहीं आया भाई। मुर्गान बज रहा था पुलिस का हाथ आते तब घर में ढूंढ क्यों कुल लोट में बजता, विधायक का कौन मारा लट लटकी मारा, सैनिटाइजर कराया आपने, बुलाया आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते क्यों आएगा? 9 लाख शिव मंदिर में दिया था वो नहीं लगने दिया, संसार घाट में छतरी बनी उसके नाम का पत्थर फोड़ दिया, बहन की लड़ी छतरी नीचे गिरने वाली बात तमीज का तू जन का आ रहा भाई, छतरी नीचे गिरने वाली बात छतरी बाइट हमारी माँ बहन भी जान दो यार, ये बाइट छतरी नीचे गिरने को रही भी देखेंगे हमारी बाइट, मेरी बात सुन बदतमीजी नहीं है। देखिए वो पीछे खड़े उनसे बात कर लेते हैं, आकर शांति से खड़े हो गए। अच्छा आपके क्या मन है, क्या कितना काम कराया विधायक जी ने? विधायक जी ने इस योजना में कोई काम नहीं करा, जो पिछली योजना है उसमें बहुत काम कराया। आने पूछ लो जी। नहीं उसमें तो आप भी सहमत है विधायक जी ने इस योजना में काम नहीं कराया? नहीं कराया जी। बयान बता बता रहा हूँ, रुक तो जाओ मेरे। हाँ। भाई साहब सुन लो, मैं बताता हूँ पिछली योजना में काम हुआ भाई। अजय भाई आपकी बात, दो निधि कोरोना में कट गई, कोरोना काल चला उनकी निधि में चली गई, कोरोना काल में चली गई ना, तो 2 करोड़ की निधि। विधायक जी आए मैं बताता हूँ, मेरी बात तो सुन लो, आप काम की बात करो ना, फिर आए नहीं। हाँ। आप भी पलट रहे हो, पलट रहे हैं, आपने कोरोना की बात करी, आपने कोरोना की बात करी, आपने कोरोना की बात करी, आपने कोरोना की। पुरकान जी आए मतलब काम, मतलब जो हमारे गांव कार्य देखने के लिए आए भाई, आप नहीं, आप कैंडिडेट हो, आप कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता हो हैं, आपसे मिलने आए ये भाई कार्यकर्ता, कार्यकर्ता है विधायक जी के, हमारे गांव कार्य देखने, आप विधायक जी के आए नहीं, नहीं आए हैं, निशंक जी नहीं आए, पक्का बीजेपी, ये तो दोनों की बात कर रहे हैं, ये तो दोनों की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, ये तो दोनों की बात कर रहे हैं, तो क्या आप उनके समर्थक हो तो उनकी आपको उनकी कमियां दिख नहीं रही? कमी मैं बताता हूँ मेरे विधायक जी को, मैं बताता हूँ इस मेरे गांव में अस्थी समाज, मेरे विधायक जी, मेरे विधायक जी, विधायक जी तो इनके भी है, ये बता रहे ना, अरे इनके भी ये बता रहे ना, उनके समर्थक हैं, ये बता रहे हैं जी, मेरे विधायक जी कह रहे हैं विधायक तो पूरी 44 विधायक जी तो सबके हैं, 44 गांव के हैं पूरी। इस भाई ने भी मुझे यूं कहा कि इस, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, एक सेकंड, एक इन्हें बोलने दीजिए, एक सेकंड, बोल वो हो चुका है, सुनिए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं कराया निशंक जी ने। हाँ। आपके सांसद है। हाँ। ठीक है,
वो उन पे भी आरोप लगा रहे हैं, वो विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं आप विधायक जी के समर्थक है, आप है समर्थक, मानिए ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहा हूं, सच्चाई है मेरा भाई, मैं सच्चा बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, तो क्या आप उनके समर्थक है, इसी कारण से आपको उनकी जो कमियां, क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि इस योजना में काम नहीं हुआ, क्या कमियां है पूछे इनसे, आप बताइए ना इस योजना में क्या कमी है, खुद दिख रही है भाई, आप बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो कह रहे कि इस योजना में सड़कें नहीं बनी, वो लोगों के बीच नहीं आए। मैं बताता हूँ क्या सड़कें बनी है, मेरी बात कौन सा, वो दो घर है, इनका घर है, इनका घर है, बस आपने बहुत बुलाते हो, हम किसी का घर है नहीं, कुछ बुलाते हैं, हम भी बुलाते हैं भाई, जब आते एक मिनट, मतलब मेरे एक मिनट, हम क्यों बुलाएंगे, जिस टाइम वोट लेनी होगी उस टाइम तो हमारे पास आएंगे, लेकिन जब हमें कुछ काम हो तो हम उनके पास जाएंगे, क्यों, गाँव का गाँव गांव के जिम्मेदार है भाई, गांव से जवाब पढ़ोगा, पूछेंगे कह रही है, पूछेंगे भाई तुम्हारे गांव में क्या समस्या है, किस समस्या को हल करनी है, पूछेगा गांव में क्या समस्या है, मुझे बताओ आगे, महिलाएं भी है, रोकिए जरा, रोकिए रोकिए, महिलाएं भी है यहाँ पे, रोकिए, विधायक जी ने कितना काम कराया, पुरकार जी ने, पुरकार जी ने बहुत काम करवाया, कितना काम कराया, पहली योजना में तो भाई ज्यादा कर, बंद कीजिए, पहली योजना में तो बढ़िया काम करवाया, आपकी योजना में कम करवाया, आपकी योजना में कम करवाया, क्या काम नहीं हुआ है आपकी योजना में भाई, ये पानी का नहीं हम मसला और हो रहा हमारी योजना में तो देखिए ये तो समस्या है ना, किसानों के लिए कहाँ गए वो, ये तो किसानों के लिए समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा जी, कल मैं बता रहा, यहाँ को कल मोटरसाइकिल वाले 10 जने गिरे, इसमें पत्थर गिर रखे रोड है, मैंने फाड़े से खोदा, फिर यो मैंने फाड़े से खोदा जी, फिर मैं कहा भाई जलने वालों को सौरिया सहन नहीं रहो, माननीय विधायक जी ने ये जब सत्र चल रहा था ना, ये मुद्दा हमारे ग्राम पानी का ना जी, सत्र सत्र में भी उठा, बताओ जी नाला किसने दिया, नाला विधायक जी ने दिया था, यो अभी बयान तो नहीं देते लोग, लोगों ने रुकवा गाँव वालों ने, क्यों रुकवाया गया, ये रुकवा गया है नाला है ना जी, और हम नहीं बनाने देते, ये है तो देखिए जनता ही विकास नहीं चाहती, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ महिलाओं से बात कर लेते हैं, देखिए माता जी पहले बताइए खेतों से आ रहे हो, खेतों से आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही, हाँ दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत है बताइए, और जी खेतों में सारे में पानी पानी पड़ा है, सारे में इंगला पानी इंगो करो सो ही नहीं रहा, तो दिक्कत हो ही रही, ये तो कह रहे हैं कि इस योजना में काम नहीं हुआ, नया हुआ नहीं, बुको आपके काम नहीं हुआ ना, ना। तो इस बार कौन कराएगा काम, बस जी जो कोई होगा वो करवा, पानी हमने खोला जी कल, ये पानी हमने खोला जी कल, अच्छा हाँ पानी बहुत ज्यादा भर रहा था भाई, ये कल खोला, ये स्कूल के बच्चे ना ना ये डूबते चलाते हैं बच्चे हैं सामने जो, हाँ जी इसलिए हमने खोला, तो ये विधायक जी ने क्यों नहीं खुलवाया, फिर भाई ये कह रहे कि 5 साल से ऐसा ही है, सुनो तो विधायक जी ने हमारे लिए इतना बढ़िया काम किया था, उन्होंने विधानसभा में एक पहला विधायक जो गांव का क्वेश्चन उठा था, अरे आप तो बयान बदल गए, अभी तो आपने कहा इस योजना में कुछ काम नहीं हुआ, नहीं इसमें नहीं इसमें इसमें इस नाला नहीं तो दिया था उन्होंने कि भाई ये पानी निकल जा, हाँ जी हम सांसद को भी कह रहे हैं, सांसद ने भी कुछ नहीं कराया भाई, हम सांसद को भी कह रहे हैं, वो तो दोनों की बात कर रहे हैं, देखो सांसद ने तो यहाँ एक ईंट नहीं लग भाई, विधायक ने जो सुना उसने नाला दिया था, अभी लोगों ने बनाने दिया, अब पहले देखो मैं बता रहा जी आपको, विधायक जी ने विधान क्या कह रहे हो, विधायक जी गांव में नहीं आए भाई, इसके पास 3 बार गया, समस्या नहीं समस्या ले क्यों, गांव का समस्या दिख नहीं, गांव की समस्या यार खदोगे क्यों, गांव हमारे गांव की समस्या पूछी किसी तरह के, मेरे पापा मेरे से ही तो पूछेंगे भाई तुझे क्या दिक्कत है, या हम बताऊंगा ना मुझे दिक्कत है, देखिए लोगों ने अपने पापा का दर्जा अपने पिताजी का दर्जा विधायक जी को दिया हुआ है, आप विधायक जी के पास अजय भाई गए, अरे चलिए अरे चलिए ये नहीं गए तो आप चले जाते, आप तो उनके समर्थक है, अरे मैं तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया विधायक जी ने, क्या दिक्कत है आपको, मैं आपके बाप के समान हूँ, आप मुझे कह रहे हैं ये आपके भाई है तो आप उनके समर्थक भी है विधायक जी के, तो आप उठाते हैं समस्या विधानसभा में, उठा बताओ गत कराया विधानसभा में, क्वेश्चन उठा कह रहे उठाई गई विधानसभा, हमें कहाँ पता लगा दिखाई आप विधानसभा यार, तुझे यहाँ घर पता चला का जिप टू कहना भैया जी, सुना आप सभी विधानसभा चले जाएंगे तो या सभी पत्रकार बन जाएंगे, पहले नॉलेज कर, ये हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, जबान जोरी से कुछ हो रहा है जी, मैं देखिए इधर आइए आप, ये कब से ऐसा ही हाल है ये बताइए, यहाँ तो पानी भरा ही रहा भाई, देखिए पानी भरा ही रहता है वो बोल रहे हैं, तो भरा है पानी तो आपको यहाँ तो हमें तो दिख ही रहा, तो सवाल तो यही है क्यों नहीं हो रहा, ठीक ठीक हो रहा प्रशासन करेगा, अभी आप बोल रहे 1 करोड़ रुपए लगाए, ये भाई साहब मेरे साथ बैठो ना, हम हाथ छोड़े हाथ छोड़े हाथ छोड़े,
दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोलता। एक सेकंड, एक सेकंड, आप सुनिए, आप सुनिए, काम किया है, देखिए विधायक जी ने मेरे काम किया। संदीप भाई अभी दिखाओ, आप ले जाकर ये भी दिखाऊंगा, बैठो, ये निशंक का दिखाऊंगा, तीन लाइट भी दिखाऊंगा, निशंक ने दी थी तीन लाइट दी थी, कार्यकर्ता को घरों में लग गई, ना तो हमारे खेड़े पर लगी, ना मंदिर पर लगी, ना हमारे शमशान घाट में लगी। सच बोल रहे हैं लग रहा है। हाँ, वो तीनों कार्यकर्ता में लगी निशंक ने जो लाइट, मेरे गाँव का खेड़ा भी है, मंदिर भी है, शमशान घाट भी है, कब्रिस्तान भी है, वहाँ क्यों नहीं लगी हुई लाइट। अब मेरी एक बात सुनिए, आपको विधायक जी की कमियां क्यों नहीं नजर आ रही? भाई कमी जो होगी मुझे नजर आएगी, कमी भाई इतनी जनता बोल रही है, गांव का मुद्दा है, जनता बोल रही है कि इस योजना में काम विधायक जी कहां डलवाएंगे इसको पानी को, विधायक जी घर छोड़ोगे जाके पानी? अरे ये बताइए कि जनता बोल रही है इस योजना में काम नहीं हो, कारण क्या है? मैं बताता हूँ क्या है। एक ऐसी समाज में सड़क डाल दी है, एक लड़का ये दिया है विधायक जी ने, एक आता तो आलकसी भी कर दो काम बड़ा बड़ा, एक आता तो आलकसी भी कर दो बड़ा बड़ा, निशंक ने तो आलकस वाला भी नहीं करा, बिल्कुल कुछ नहीं करा भाई निशंक ने, ये तो दोनों पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं लगाते, लगाएंगे काम किया है इस गाँव में, तो कह रहे काम किया है, फिर काम कर दो, देख नहीं रहा आपको, 1,85,00,000 दिखाओ, इधर भी दिखा दे, इधर भी बघेलना, देखिए 10,000 रुपए जनता का जो आज ये घड़िया माता होली पे कितने पानी में होली पूछते थे, कितने कितने पानी में पूछते थे बताओ, सब पानी में पूछी है होली तो, अब कहां कितने कहां सीधे सीधी पड़ी है, अब तो वहां से वो पूछ रहा, मैंने भी दर्जी ने दी इतनी पानी में होली पूछ गई मारी मां भाणो, विद्यार्थी जी ने पूरा सही कराया है, अब सही करा दिया, अब तो वो हो रहा वहाँ से फरस फरस गिर गया, पानी नहीं भरता, नहीं पानी पूरा भरा वहाँ नहीं भरता, जहाँ होली योजना विधायक जी ने एक शुरू की योजना थी उसमें अच्छा काम करा, लेकिन इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ, एक दो कार्य हुए होंगे। चलिए अंत का समय हो चुका तो चलिए अंत का समय हो चला है। देखिए यहाँ पे इनका कहना ये था, जब विधायक जी नई नई सत्ता में आए थे तब तो काम हुआ, लेकिन जब दोबारा सत्ता में आए तब काम नहीं हुआ। अब मेरी आप बात सुनिए, ये देखिए समर्थक है, ये बोलो हुआ नहीं, ये बोलो कम हुआ, जो बाइट बोल रहे हैं सब हुआ कम हुआ है, ये बात होती है परिवार की, परिवार की कमियां नजर नहीं आती, आती है भाई, मैं मेरे साथ क्यों नहीं बैठते, पर क्या बंधु, अरे मैं दिखाऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा जो काम हुआ है, मैं चाहती हूँ तो देखिए। चलिए ठीक है, चलिए हमने आपकी बातें सुनी, देखिए जनता का कहना था कि जब नए नए विधायक बने तब काम हुआ था, इस योजना में काम कम हुआ, कम हुआ, ठीक है, तो आप मानते हैं, तो आप मानते हैं 1,00,00,000 की जगह 50,00,000 लगे भाई साहब, 44 गाँव है मान्य विधायक जी पे, आपके बार कोरोना में किटकी तो नहीं थी, एम्बुलेंस दी, अमली में बैठ दिए, गैस सिलेंडर दिए, जब ऑक्सीजन तक मिल रहा था निधि वहाँ लगाए, कोरोना में विधायक जी ने, ये तो कह रहे कोरोना में बहुत कुछ, लोगों तो कुछ नहीं दिया, मुझे क्या देगा, तो ले ले जाके मैं बस, तो फिर अच्छा तूने बताया, अजय भाई कहाँ, अजय भाई आरोप लगा रहे आपको, चाह रहा है बस मुझे कोई नहीं, अजय भाई आप ये बताइए माननीय विधायक जी ने आप कितनी वोट मिला था यहाँ से, ये बताइए सके बात, कम में वोट मिला था ना, सब तो भाजपा को मिला था, पिछली बार कितना काम करा मानने विधायक जी ने, नहीं पिछली योजना शुरू की योजना में अच्छा काम किया, आपकी बार कोरोना में, अरे शुरू की योजना में गांव में भी आए मिलने, लेकिन इस योजना में ना तो गांव में मिलने आए किसी कंडे से, लेकिन सिर्फ भाई दो घर आएंगे, नहीं नहीं वो आएंगे एक घर आऊंगा, हमारे सांसद भी एक घर आऊंगा, विधायक जी दो घर आऊंगा बस भाई, दो घर इसलिए आते हैं जब ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप लोग करते हैं भाई, मेरे भाई तो अभी तक नहीं, हम ना करते हैं ना, मंदिर में पैसा दिया था वापस करवा दिया, शमशान घाट में छतरी बनाई थी उसका पत्थर तोड़ दिया, अच्छा भाई या, या बात बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, हिंदू मुस्लिम की बात होती है गांव में, कभी हिंदू मुस्लिम की बात क्यों नहीं लगा है? मंदिर में पैसा है? मंदिर में पैसा ये बात नहीं, यह बात सही नहीं, यह बात शमशान घाट में छतरी बनी पत्थर टूटा है आपका क्या है ना, बताना दे मेरी बात सुनो, छतरी बनी ओए ओए बोलिंग मेरी बात सुन, छतरी बनी जब उसे देख कहीं मंदिर में क्या करवा लेंगे, छतरी गिरने घोरी भाई, तुम कहां गए थे, तुम्हारे पापा जिंदे थे गुजर गए, इतना बड़ा लिप्टिस का पेट कट गया था, पटवारी ले आए थे आप लोग ही, चलिए ठीक है ठीक है, हमने आपके मुद्दों को उठा लिया, आपकी परेशानी को उठा लिया, हाँ तो चलिए बंद का समय चल रहा है, तो चलिए अब हमें वीडियो को अंत करना होगा, हमने जनता की जानकारी जानी, इन्होंने जन मुद्दे बताए जिन पे कार्य होने चाहिए, देखिए जो चीज है वो होनी चाहिए, आप समर्थक है लेकिन समर्थक है समर्थक बनिए, जन देखिए एक समर्थक एक दो भाई हटने का नहीं, मैं काम किया हटिएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जन कह रहे थे कि इस योजना में कम काम हुआ, भाई मैं बताऊं मैं कल्ला इस गांव में कांग्रेस का कार्य करता हूँ, ये भाई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत है भाई कांग्रेस के हिंदू में सैनी में कौन है,
हाँ बता दे। देखिए फिर आप खुद बांट रहे हैं, आप खुद बांट रहे हैं, आप जातीय राजनीति कर रहे हैं, ये खुद कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड, आपने मुझे अभी क्या कहा? कार्यकर्ता की बात करी मैं, ये जो एक घर बता सवाल कर रही है, एक सवाल सुनिए, मैं अकेला कार्यकर्ता जी, मैंने पूरे गाँव में काम किया, मैंने जातिवाद देख के नहीं काम किया, खड़े पूछ ले। अब एक सवाल सुनिए, अभी आपने इन पर आरोप लगा दिया जातीय और धर्म की राजनीति करते हैं, अब आपने खुद ये बात बोली है, खुद बात बोली। हाँ, तो 9 लाख रुपए मंदिर और आप में क्या फर्क, 9 लाख रुपए लगाते मेरे भाई से बोल रहा है, नहीं दिया काम, ये बोला पूछो ना। हाँ, दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप क्यों बोल रहे हैं, क्या आप क्यों बोल रहे, मेरे साथ होता है ना, सच्चे बोल रहा हूँ, झूठ थोड़े बोल रहे हैं कि सैनी इतने हैं उतने हैं। मैंने सैनी का नाम लिया, अभी तो बोला मेरा सैनी समाज से हूँ, मैं सैनी समाज का सम्मान करता हूँ, सैनी समाज मेरे माथे है, सैनी समाज का मैं सम्मान करता हूँ, मैं सैनी समाज से सब मेरे सैनी भाई सम्मान कीजिए, अपने समाज क्यों रहे हैं, अपने समाज को नहीं बांटते, जनता तो एक है, तो हम नहीं बांट रहे मेरे भाई। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, हम एक है, मैं ये मेरे भाई का डैम कोई, मैं जातिवाद की बात करता हूँ, मैं सर धर्म को मानता हूँ। आपने कहा, आपने हिंदू मुस्लिम की बात आपने करी, हमने कही, बताओ कही क्या, हमने कहा अकेले कांग्रेस, मैंने इसलिए कहा शिव मंदिर पे पैसे, भाई आप बताओ, ये आप पे आरोप लगा, आप पे बोल रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थक के घर आते हैं, भैया समर्थक से क्या मतलब, जनता तो सब है ना, आधा पूरा गाँव है, पूरे विधायक जी का 44 गाँव आते हैं इनके घर, ये चाहते हैं इनके भी घर आए, इनके घर बुलाइए, मैं क्यों बुलाऊ, मैं क्यों बुलाऊ, बुलाए से कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, अभी अभी आएंगे भाई, खुद आना चाहिए, जब बाप को दिक्कत जक्कत का दिक्कत आपको जाएगा ना, जक्कत भी तो बताएगा जाएगा, पिताजी मेरे पेट में दर्द है, दवा दी भी तो दुआएगा पिताजी भी। देखिए ये अपनी समस्याएं बताएगी, आप इनके घर बुलाइए, क्योंकि ये परेशान है, इनकी जमीन खराब हो रही है, हाँ बुलाइए, वो बुलाओ, मेरी बात खुद भी तो आप दिखाओ सर, खुद भी दिख सको, पानी भर रहा है 5 साल तक भाई, गाँव में मैं कार्य करता हूँ, आप बुला रहे तो दीजिए, क्यों आपकी जमीन सही होगी, ये फिर कह देंगे मैं तो अकेला कांग्रेस कार्यकर्ता था, मैंने बुला दिया, एक दे लो जवाब इनकी बात है, जब कार्य बुलाने को बुला रहा हूं, देखिए ये तो बुलाने दीजिए, अगर वो बुला रहे हैं तो केजरीवाल भी आ जाएगा, केजरीवाल भी भागा भागा आ जाएगा, पूरे माननीय का नाम जी मेरे केले के नहीं है, पूरे गाँव के हम कह रहे हैं, जनता एक है, और धर्म की राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमारे विधायक जी हम कार्यकर्ता धर्म की राजनीति कर, सब समाज की राजनीति है, हर धर्म का हम विकास चाहते हैं, विकास क्या, विकास करें तो विकास चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये जल भराव हट जाए, ये भी इसकी भी समस्या हो, इसकी भी समस्या हो, इसकी भी हो भाई, भाई हमारी माँ बहन भी देखेंगी है ना, हाँ ठीक है ना, 1,85,00,000 का गाँव में काम, आपको इधर कोई जाना, देखो सड़क को, हाँ मेरी बात सुनिए, ये विधायक जी का फोन मिला रहे हैं, मिलाने दीजिए, सड़क सही होती है तो करवाइए ना, विधानसभा मुद्दा उठाया, विधानसभा आचार संहिता लगी अभी तो कुछ भी नहीं होगा, आचार संहिता में विधायक एक ईंट भी नहीं लगा सकते फिलहाल, तो आचार संहिता से पहले की नहीं सही हुई, समस्या विधायक जी पानी को उसको, विधायक जी नाला बनवाने लगे, इन भाई के खेत नीचे जो नीचे कास कर रहे हैं मेरे गांव के, उनके जाके बढ़ जाएगा, इधर भी नुकसान मेरे गांव के, कास कर होगा इधर भी मेरे गांव में, तो किसी को दिक्कत ही ना हो भाई, चकबंदी में आप लोग भी यही थे, हम भी यही थे, कुछ ऐसा काम करना जिस किसी को दिक्कत ही ना हो, तो बैठ के गांव में होगी, बड़े आदमी है जो बुजुर्ग आदमी है, बैठ के तो आपस में करते क्यों नहीं हो आप विधायक जी के साथ, विधायक जी आएंगे बैठे, विधायक जी आएंगे बैठे, जी तो बैठेंगे भाई जी, विधायक जी आएंगे इसके बैठे, विधायक जी का वो कह रहे विधायक जी सभा करते ही नहीं है, अरे विधायक जी का मामला नहीं है, ये गाँव का मामला, गाँव वालों का आपस में मामला है, ये हमारे गाँव के भी खेत है, इधर भी है, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, हाँ मेरी एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि विधायक जी आएंगे सभा लगाएंगे तभी तो ये अपनी परेशानी, वे भी अपनी समस्या रखे ना गाँव वाले, भाई ये पानी भर रहा है इधर कहाँ जाएगा, कहीं ग्राम सभा जाए कहाँ छूटेगा, मुझे आप बताइए मेरी समस्या होगी तो मैं सीधा प्रधानमंत्री को तो फोन नहीं मिला सकता ना, मैं विधायक के सामने अपनी, विधायक को बताओ जाके अपनी समस्या, हाँ तो रखूंगा, तो लेकिन विधायक जी को तो मेरे पास आना चाहिए, कहाँ पे, मेरे गांव में आना चाहिए, तो गांव में आते हैं विधायक जी, तो कह रहे नहीं आते, कहाँ पे जिम आते, दो ही घर आते, दो ही घर आऊँ भाई, जब बट बुलाते नहीं, शुरू के 5 साल सबके घर आए, अब 2 साल घर आ रहे, बस वो किसी के घर नहीं आते, सब झूठ बात है भाई, में सबके आए है ना, ये खड़े हैं पूछ लो, रामलामा बुलाए थे, सच्ची बात बोलना आजे भाई, मैं हनीता वहाँ पे फिलहाल, रामलीला में 2 बार बुलाए, श्री राम लीला होती है, मैं बालाजी का भक्तों में झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, रामलीला में 2 बार है विधायक जी, इन्होंने बंद काटने के लिए, 3री बार का मुसलमान हम स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे, सम्मान की बात है, उन किसी को ठेस लग रही हो धर्म को, तो दिक्कत क्या है, पूछले जी भाई किसी को, नहीं 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 हम इस बात को नहीं मानते, आपने जनप्रतिनिधि चुना है तो धर्म की राजनीति, मेरी भी बात सुनियो, जब हम ठेस लग सको तो तुम ना मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा करवाए दो, हम भी देख लेंगे फिर ठेस क्यों लग रही, हम अभी तो फिर वही है ना, जनता धर्म की राजनीति करती है, करना पड़ा जब नेता करो तो हम, देखिए हमारे हिसाब से जनता को विकास के मुद्दे उठाने चाहिए, और विकास ही जरूरी है, क्योंकि समाज और देश कल्याण जब ही होगा जब समाज जन मुद्दे उठा रहे जाएंगे, लेकिन अब
जब जनता धर्म की राजनीति करेगी, जातीय राजनीति करेगी, तो क्या फर्क रह जाएगा? अब हमने अलग अलग लोगों से बात की, जनता की राय जाननी थी। देखिए वो बोल रहे कि स्टेज पे नहीं चढ़ने देते, मंदिर में ये नहीं होने देते, वो नहीं होने देते। अजय भाई बताएगा, अजय भाई होगा तो ये बताओ ना, जो अध्यक्ष अरे दो साल पहले थे। देखिए वीडियो का अंत नहीं हो पा रहा है। नहीं आप पूछ लेना मेरे भाई खड़े जी जी नहीं, हम अदर पार्टी किसी को मंदिर स्टेज पर नहीं जाने। देखिए फिर वही बात है ना, वो तो अपने भाई जो अपनी श्रद्धा भी तो कुछ, तो वही तो हम कह रहे हैं। देखिए देखिए जब भगवान ने किसी को नहीं बांटा, जब भगवान ने किसी को नहीं बांटा तो हम कौन होते हैं? हमें तो विकास के मुद्दे उठाने चाहिए, हमें तो वो मैं चल रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना, तो मैं जातिवादी के पक्ष में, मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, करता हूँ। और जो मेरे जनप्रतिनिधि है, मैंने जो काम किया एक समाज के लिए नहीं कहा, सर समाज के लिए मैं काम करूंगा, करता रहूंगा हमेशा। मैं कोई जातिवाद नहीं रखता, ये भाई खड़े हैं मेरे भाई हैं, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। मगर मैं एक बात कह रहा हूं, एक बात सच बताइएगा, एक बात सच बताइएगा, बिल्कुल सच बताइए, क्योंकि इतने लोग झूठ नहीं बोलेंगे। क्या इस योजना में कम काम हुआ? हाँ हुआ है, हुआ है, कम हुआ है, मगर काम हुआ है, ये नहीं है कह सकता आप हुआ नहीं है। हाँ क्योंकि आप आवाज तेज कर लेते हैं, फिर काम हुआ वाली बात पे। देखिए आवाज तो तेज ही रहेगी मेरे भाई बंधु, हमने काम किया, हमने नहीं सकते ज्यादा 7 साल हो गए चमकाई क्षेत्र में, कार्यकर्ता ढूंढते फिर रहे उसके। तो देखिए लोगों ने दोनों बातें की, एक तरफ समर्थक भी थे, एक तरफ विरोधी भी थे, एक तरफ जनता की बातें थी, लेकिन जो निजी समस्या है वो सुलझाई जानी चाहिए। और कभी भी हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा में, कहीं पर भी धर्म की और जाति राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब आप एक जनप्रतिनिधि चुनते हो, वो सबका होता है और सबके लिए काम करता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या मोड़ है, आने वाले चुनाव में देखा जाएगा क्या होगा। अब क्या जनता पलटेगी, अब जा पलटेगी। देखिए जनता का लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अब ये तो 14 फरवरी को जनता को चुनना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।